उनका बच्चा जीवन में सफल हो हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैरियर सेट हो जाए, पढ़ाई में हमेशा सफल रहे। इसके साथ ही शादी विवाह में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आप भी यही चाहते हैं तो विशेष रूप से ये वीडियो बच्चों के लिए और माता पिता के लिए। आप भी अपने जीवन में हर क्षेत्र में अपने बच्चे को चाहते हैं सफल, तो ये वीडियो आज का आपके लिए। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा हमेशा आपको तरक्कियां पाता रहे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी यशोदोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम हर क्षेत्र में चाहते कि हमारा बच्चा सफल रहे, जो कष्ट या परेशानियां हम झेल रहे हैं वो हमारे बच्चे को ना हो, लेकिन ये प्रारब्ध है, ये अपना अपना भाग्य है जो कि हम पूर्व जन्म से लिखवा कर लाते हैं कि क्या परेशानियां आएंगी, कब आएंगी, वो सब हमारा डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताता है। लेकिन यहाँ मैं ये आपसे ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ बच्चा आपका सफल है। तो सबसे पहले माता पिता को एक जो सबसे बुरी उनकी आदत होती है, अपने बच्चे को उसकी नाकामयाबी पर, फेलियर पर उसको डांटना शुरू कर देते हैं। नंबर कम आए हैं तो डांट रहे हैं, सामने वाले को इतने आगे तेरे कैसे नहीं आए, तूने क्यों नहीं पढ़ा, तो बच्चे को डांटना शुरू करते। सबसे पहले अपनी इसी आदत को बदलिए। आप कहिए कि आपका बच्चा अनमोल है, दुनिया में अनोखा है आपका बच्चा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहा है, जैसा भी है वो आपके लिए है। कंपेयर मत करिए अपने बच्चे को किसी के भी साथ में, रिश्तेदार के बच्चों के साथ में, भाई बहन के बच्चों के साथ में, पड़ोसियों के बच्चों के साथ में, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक कैलिबर होता है, अपने कैलिबर के हिसाब से ही बच्चा अपने प्रोग्रेस करता है। जब भी किसी बच्चे के लग्न पर राहु या शनि का प्रभाव होता है, ऐसे बच्चे स्लो हो जाते हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। वो जो आप कहेंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में बड़ा तेजी के साथ में, वो उनके अंदर वो क्षमता होती है, बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा इंजीनियर ही बने, हर बच्चा डॉक्टर ही बने, विभिन्न क्षेत्र हैं आप उसमें बच्चे को डालिए, हर बच्चा MBA करे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। पहले अपने शुरू से ही छोटे बच्चे को आप उसके अंदर एक गोल डालिए कि वो क्या बनना चाहता है, उसके अंदर हॉबी डालिए, उसको प्रेरित करिए। छोटे बचपन बच्चे से बचपन में ही पूछिए कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, क्योंकि बच्चे आजकल टीवी कंप्यूटर देखते रहते हैं तो उनके अपने खुद के गोल सेट हो जाते हैं। धीरे धीरे उस हॉबी को डेवलप करिए जिससे कि बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ता जाए। सबसे पहले अपने बच्चे को ब्लेस करना शुरू करिए, हमेशा उसे ब्लेसिंग दीजिए अपनी कि आपका बच्चा अपने जीवन में निरंतर सफल हो रहा है, हर क्षेत्र में सफल हो रहा है। नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं है, नंबर कोई उस बच्चे की कैपेबिलिटी को नहीं बताते हैं, नंबर का क्या है, आगे पीछे आते ही रहते हैं। नंबर की दौड़ में मत जाइए, अपने बच्चे का भविष्य सोचिए कि बच्चा आपका दिन दिन तरक्की करता चला जाए। तो सबसे पहले अपने बच्चे को ब्लेस करिए। माँ को ये काम करना है, एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर, एक बार सूर्य को जल देते समय, एक बार रात्रि में सोते समय अपने बच्चे के लिए ब्लेसिंग दें कि आपका बच्चा दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है, हर क्षेत्र में सफल। साथ में ही बच्चे को आदत डालिए सुबह के समय उठते ही वो एक तो धरती माता को प्रणाम करे, दूसरा सूर्य को प्रणाम जरूर करे, घर के जो बुजुर्ग हैं उनके चरण छुए, नहीं तो कम से कम आकाश की तरफ चेहरा करके सूर्य को प्रणाम जरूर करे। दो पत्ते तुलसी के खाली पेट बच्चे को जरूर खिलाइए। पहले भी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि पक्षियों के लिए दाना और चींटियों को आटा, या आप बच्चे को से हाथ से कराते रहिए। अब बच्चा आपका हॉस्टल में रहता आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगी, वो अनाज आप एक कटोरी में डालेंगी, जो चींटी का आटा है उसे भी आप एक पुड़िया बना के डालेंगी, इसमें बच्चे के एक पासपोर्ट साइज का फोटो रख देंगी और इसको डेली रात के समय निकाल कर रखिए, सुबह इसको पक्षियों को डालना शुरू करिए। बच्चे का एक हंसता खिलखिलाता हुआ फोटो आप साउथ ईस्ट की तरफ आप इसका बच्चे का एक फोटो लगाइए, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक फोटो लगाइए बच्चे का, जिससे कि वो जीवन में स्टेबलिस हो, उसका ध्यान इधर उधर ना भटके और पढ़ाई में वो अव्वल रहे। बच्चे से सूर्य की उपासना जरूर कराइए, सूर्य को प्रणाम कराइए, गायत्री मंत्र का जाप जरूर कराइए, जितनी उसकी एज है उतनी बार। अपने घर का ईस्ट चेक करिए, ईस्ट का कॉर्नर आपका डैमेज तो नहीं है, टॉयलेट लेटरिन बाथरूम बने हैं, या दक्षिण दबा हुआ है और आपका ईस्ट उठा हुआ है, या साउथ वेस्ट आपका दबा हुआ है और ईस्ट उठा हुआ है, ये भी आपके घर में वास्तु दोष पैदा करता है, बच्चों का कैरियर सेट नहीं होने देता है। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला, 108 दाने की या 54 दाने की, ईस्ट के कॉर्नर में आप उसको हैंग कर दीजिए, यानी टांग दीजिए, और यहाँ का कॉर्नर हमेशा साफ रखिए। इधर से आने वाली तेज रोशनी, अगर आपके घर में यहाँ से तेज रोशनी आ रही है तो सुबह 9 बजे से पहले उधर से तेज रोशनी मत आने दीजिए, भारी कर्टन डाल के रखिए और 9 बजे के बाद ही वहां से रोशनी आने दीजिए।
बच्चे का कमरा है विशेष रूप से, तब तो बिल्कुल नहीं आने देने चाहिए आपको सूर्य की रोशनी सुबह ही सुबह। आप कह रहे हैं सुबह ही सुबह उठ जाओ, नहीं उठता है रात्रि में अगर देर तक पढ़ना है। वैसे तो हम कहते हैं कि सूर्य अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, लेकिन अगर आपका बच्चा रात में ही पढ़ रहा है, उसको रात में ही अच्छा याद हो रहा है, कोई बात नहीं है, सुबह 9 बजे उठ जाएगा, दिक्कत नहीं है। उठने के बाद उससे कहिए कि वो सूर्य को प्रणाम जरूर कर ले। इसके अलावा दोस्तों माओ को चाहिए कि वो सूर्य की आराधना जरूर करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें हल्दी डालें, अपने बच्चे के लिए ब्लेस करें, शिवलिंग पर दूध और जल जरूर चढ़ाएं और अपने बच्चे के लिए मनोकामना मांगते हुए कि बच्चा दिनों दिन तरक्की करता जाए। कोई भी आपकी मनोकामना हो, इवन आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, वो भी आप इसमें मांगना शुरू कर दीजिए, आपके बच्चे के हर काम बनने लगेंगे। बच्चों को चाहिए केसर का टीका डेली अपने माथे पर लगाना शुरू करें, ईस्ट की तरफ चेहरा करके ही उन्हें पढ़ना चाहिए, बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, टेबल मेज पर ही पढ़ना है। मेज पर जो आप मेज पोस्ट बिछा रहे हैं या कुछ भी वहां पर डाल रहे हैं, आप कपड़ा डाल रहे हैं या कुर्सी पर है, तो वहां येलो कलर का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, येलो कलर का कर्टन डाल दीजिए, टॉवल डाल दीजिए कुर्सी के पीछे। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे एक गिलास कांच के पानी खुला हुआ रख दीजिए और बच्चे से कहिए कि जब पढ़ाई पूरी हो जाए उसको दोनों हाथ में होल्ड करे और 3 बार बोले जो उसने पढ़ा है वो उसको ऐसा का ऐसे याद हो गया है। 3 बार ऐसे ही बोलना है, 3 फूंक मारनी और इस पानी को पी लेना है, इस पानी को आपको नाली पे नहीं डालना है। देखेंगे आप कि बच्चे को पढ़ा हुआ धीरे धीरे सब कुछ याद रहेगा और जब भी वो एग्जाम में लिखने बैठेगा उसे वो ऐसा का ऐसे याद आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत सारे लोगों को मैंने कराया, उनको फायदा मिला है इससे, तो आप भी इसको अजमाइए। माओ से हमेशा मैं कहूंगी ब्लेस करते रहिए अपने बच्चे को, हमेशा उसे दुआएं देते रहिए और कभी भी बच्चे के बारे में किसी से भी ये मत कहिए कि आपका बच्चा नालायक है, पढ़ता नहीं है, बिगड़ गया, शब्द बोलना बंद कर दीजिए, कि जो हम बोलते हैं वही वापस प्रकृति हमको लौटाती है। ईश्वर नहीं जानते हैं कि आप अच्छा मांग रहे हैं या खराब मांग रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं वही देता है। तो आप अपने बच्चे को हमेशा ब्लेसिंग दीजिए कि आपका बच्चा दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है, ऊंचाइयां चढ़ रहा है, हर क्षेत्र में सफल हो रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। धन वर्षा पोटली जो कि मैं आपको कई दिनों से आपको बता रही हूँ कि धन वर्षा पोटली जो कि मैंने आपके लिए दीपावली में आपको अभिमंत्रित करके लक्ष्मी बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके तक पहुंचाने वाली हूँ, उसका क्या प्रोसीजर है उसके लिए भी मेरे इस नंबर पर या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके जान सकते हैं, अपनी पोटली बुक करा सकते हैं, क्योंकि 17 सितंबर के बाद ये ऑफर आपके लिए बंद हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से मिलते रहें। बच्चों को और साथ में माओ को अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी डेली करना होगा जिससे कि उनका चंद्रमा अच्छा होता जाए, बच्चों के साथ में माओ की बाउंडिंग बढ़ना शुरू हो जाए, बच्चों और माँ के बीच में सामंजस्य प्यार बढ़ना शुरू हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं मंगलवार को लाइव आने वाली हूँ 3:11 पर, आप जो भी मुझे कमेंट में सेक्शन में क्वेश्चन डालते हैं उन सभी का आंसर लेकर, तो आप भी आना ना भूलिएगा। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो YouTube के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या जानना है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ 12:21 धन्यवाद।